बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद आर्ट चैनल से मैं मिसेज हारून गिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपके सामने लाहौरी दाल चावल बना रही हूँ। लाहौरी दाल चावल के साथ रायता और सलाद भी बनाएंगे और ये चारों चीज़ें आपके सामने अभी बनाते हैं। सबसे पहले मैंने एक कुकर लिया है, प्रेशर कुकर में दाल डालते हैं, मूँग और मसूर की। मूँग और मसूर की दाल मैंने आधा आधा किलो लेकर ये भिगो दी थी और ये फूल चुकी है, ये धुली हुई दाल है और दाल को लाजमी धोना है। पहले तीन पानी धोना है अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर इसको पकाने के लिए रेडी करना है। ये दोनों दालें प्रेशर कुकर में मैंने डाल दी हैं। अब मज़ीद इसमें क्या चीज़ें डालेंगी वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैं छोटे छोटे कटा हुआ टमाटर, दो टमाटर डाल रही हूँ। सबसे पहले दो टेबल स्पून लहसुन डाल रही हूँ, पीसी हुई लाल मिर्च दो टेबल स्पून डाल रही हूँ, एक टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ, एक टेबल स्पून गर्म मसाला डाल रही हूँ, एक टी स्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसके बंद करके, जैसे कि मैंने सारी चीज़ें शामिल कर दी हैं, सिर्फ एक प्याज रह गई है। प्याज जो है मैंने एक अदद बड़े साइज़ का प्याज लेकर ये छोटी छोटी साइज़ में क्यूब्स की शक्ल में काट दिया है और ये अब डाल देते हैं इसमें ये भी, और फिर कुकर को बंद कर देते हैं। बंद करके मीडियम आँच पर इसको पकाएंगे तकरीबन 25 मिनट। अब इसके अलावा जो मैंने दाल पकने के लिए रखती है, और अब हम चावल जो हैं उनकी तरफ आ जाते हैं। चावल बॉईल करने हैं। अरे ये मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं, 1 किलो चावल हैं ये, और इनको धोकर इनका पानी निकाल दिया है। और इसके अंदर मैं डालूंगी ज़ीरा, ज़ीरा राइस बनाएंगे ये। ज़ीरा 1 टेबल स्पून लिया है मैंने, और 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे पकने में, और 2 टेबल स्पून नमक, ये नमक डालेगा। और ये सारी चीज़ें डालकर इसको हम पकाते हैं। पानी मैंने आग पे रख दिया है और ये चुका है। इसमें सबसे पहले तो ऑयल डालते हैं हम। ऑयल डालने के बाद ज़ीरा डाल देंगे, और ज़ीरा डालने के बाद अब नमक डाल देंगे, और नमक डालने के बाद चावल डाल देंगे, और नीम गर्म पानी में ही चावल डाल देने हैं, और ताकि अंदर ही पानी खुश्क होगा, ये बॉयल करके पानी उतारना नहीं है। और पूरा पूरा पानी डाल दिया है मैंने, और ये 3 गिलास चावल थे, 4 गिलास पानी डाला है मैंने। इसमें चावल हम डाल देते हैं। चावल को ज़रा सा हिला देना है, और अब इसके ऊपर कवर रखकर इसको जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता तब तक पकाएंगे, फिर दम पे रखेंगे। कुकर में मैंने ये विसल रख दी है, और अब ये रेडी है पकने के लिए, और मीडियम आंच जलाकर इसको रख दिया है। इसी तरह चावल के नीचे भी मीडियम आंच है, ना बहुत तेज़ ना बहुत कम, यानी मीडियम आंच पे ही पकाना है दोनों चीज़ों को। और अब थोड़ी देर के बाद फिर मिलते हैं, आगे क्या करना है वो बताते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके साथ हम रायता और सलाद भी सेट करेंगे, तो ये मैंने दही लिया है, ये तकरीबन 250 ग्राम दही है। इसमें से थोड़ा सा दही पहले हम जूसर के जग में डालेंगे। ये दही मैंने डाल दिया है, और इसमें ये आधी प्याली धनिया की डालेंगे, बारीक कटा हुआ धनिया है ये, और आधी प्याली ही पुदीने की है, ये भी डाल देंगे, पुदीना भी आधी प्याली डाल देंगे। और ये पत्ते उतारे हुए हैं, और बाकी इसके जो पुदीना और धनिया मैं जग में डाल चुकी हूँ, और ये 3 अदद हरी मिर्चें हैं उनको भी काट लिया है बारीक। और इसके अलावा इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा और नमक, ये 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून नमक है, ये दोनों चीज़ें भी इसमें डाल देते हैं। चार जब्बे मैंने लहसुन के लिए हैं, ये भी बारीक बारीक काट के इसमें डाल देंगे। ये फ्रीज़ हुआ लहसुन है, इसको मैं बारीक काट देती हूँ क्योंकि जल्दी पिसता नहीं, ये अंदर वैसे ही तैरता रहेगा और काटने से ज़रा आसानी हो जाती है पीसने में। तो हम पीसते हैं मशीन को ऑन करके,
अब ये जो चटनी हमने पीसी है इसको दही में डालना है। चावल रेडी हो गए हैं और इसको अब मैं फ्लेम ऑफ करके चूल्हे से नीचे उतार दी। इसमें मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाला है जो हमने दाल बना रहे हैं इसके लिए तुड़का तैयार करने के लिए, और ये ऑयल जो है तकरीबन एक प्याली है, और इसमें मैं एक टेबल स्पून सफेद जीरा डाल रही हूँ और एक ही दो टेबल स्पून के करीब ये लाल मिर्च साबुत ये डाल रही हूँ, और इसको तैयार कर लेते हैं। और कुकर क्योंकि खुलने वाला है और फिर ये तुड़का लगाना है, जब तक तैयार हो जाता है तब तक फिर हम जल्दी से तुड़का लगा देंगे। ये झटपट जल्दी से तैयार होने वाली रेसिपी है और बहुत आसान और बहुत जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। तो मैंने आपको बताया ये दाल चावल, और मेहमान आए हों, घर वाले भूख लगी हो, बहुत जल्दी से बनाना हो कुछ, तो दाल चावल जल्दी से बन जाते हैं। दाल हमारी है, अब इसको तुड़का जो लगाना है वो लगाते हैं। तुड़का पहले से मैंने तैयार कर लिया था और अब ये तुड़का इसमें डाल देते हैं। धनिया और हरी मिर्च एंड में डालनी है, पहले तुड़का डालना है ताकि ये जले नहीं, ये ताज़े ही रहें पत्ते जो हैं। और अब इसको मिक्स कर देंगे तुड़के के बाद, यानी इसको मैंने डाला है, और अब इसको मिक्स करके और फिर मैं डिश आउट करती हूँ। दाल चावल सलाद रायता, ये तीन लोगों की सर्विंग मैंने तैयार की है। और ये देखें, ये जो मैंने चावल रखे हैं बटरफ्लाई शेप में, इसके ऊपर अब मैं ये गुलाब का फूल रख रही हूँ एक एक। ये टमाटर है और ये सलाद मुकम्मल हो गया, खीरा और टमाटर तीन अदद मैंने इसमें गुलाब रख दिए हैं, और रायता, कचुम्बर सलाद, ये बारीक कटा हुआ सलाद है, और दो ये बटरफ्लाई शेप में जो मोल्ड हैं इनमें मैंने दाल डाली है, और ये तीन बटरफ्लाईज हैं। ये तीन लोगों की सर्विंग है और ये इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनी है, और आप भी इस तरीके से बनाएं। दुआओं याद रखें, नेक्स्ट रेसिपी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेकी बात।